नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल भारत एजुकेशन पर। सरल भारत एजुकेशन पर इंडियन पॉलिटी को कवर किया जा रहा है और आज उसका यह पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम जितने भी एक्ट हैं, उन जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं हमारे संविधान के विकास के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भारत के जो संविधान का विकास है उसमें जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो भारत का संविधान है, आखिर संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है, और जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में लिखित संविधान है, और अगर हम वही बात ब्रिटेन की करें तो वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, रिटन संविधान नहीं है। तो संविधान वह होता है जो लिखित होता है, जिसमें सारे जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, किसके लिए, जो विधायिका हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जो एग्जीक्यूटिव हो गया, जो जुडिशरी हो गया, उन सभी के क्या होते हैं, जो कार्य डिफाइन किए जाते हैं एक लिखित किताब में, तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी के हिसाब से पूरा जो सिस्टम है चलता है। तो संविधान क्या हो गया, सुप्रीम होता है। तो ये हो गया संविधान की परिभाषा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत का और संविधान का विकास कैसे हुआ। इसको जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर जो संविधान है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। और साथ ही ये भी आप जान लीजिए कि जो संविधान है हमारा, क्या वह अभी बना है या इससे पहले भी, यानी एंशियंट टाइम हो गया, उससे पहले से ही चलता आ रहा है। तो अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चलता था, जो माइथोलॉजी होती थी, जो शास्त्रों के द्वारा जो उनके मैप पैमाने होते थे उनके अकॉर्डिंग क्या होती थी, सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे। जो माइथोलॉजी होती थी, शास्त्र होते थे, उनके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते थे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या होने लगा है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी के कार्य डिफाइन कर दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर दिए गए हैं, ताकि सब अपने कर्तव्यों को निभाते चलें, और एक जो सिस्टम होता है सोसाइटी को वेल मैनेज्ड रखने के लिए संविधान की हमारे लिए क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो पुराने अगर हम बात करें, पुराने एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो गीता हो गई, पुराण हो गई, उन सभी से क्या होता था, रूल्स चलते थे। जो महापुराण हो गए, इन सभी से क्या होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, वर्तमान टाइम में हमारा जो संविधान है उसके द्वारा ही शासन चलता है पूरे देश का। अब आइए हम जानते हैं जो संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं, अधिनियम हैं, चार्टर एक्ट हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वो जब कंपनी के अंदर शासन चलता था इंडिया में, और दूसरा वो जब कंपनी से किसके, क्राउन के हाथों में चली जाती है पावर। और ये कब जाती है, जब फर्स्ट सिपाही विद्रोह होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति होती है। तो इस क्रांति के बाद जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जो डिफेंस की पावर होती है, जो एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ये सब किसके, क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के हाथ में चली जाती है। फिर वही क्या करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं। तो इससे पहले जो हम 1857 की क्रांति से पहले जितने भी अधिनियम थे उनको हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम डिस्कस करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट, चार एक्ट आए, हम इनको डिस्कस करेंगे। इन चार्टर एक्ट के बाद क्या हो गया था, 1857 का विद्रोह हो गया था, फिर जो नए एक्ट बने वो क्राउन के हाथ में चले गए, फिर उन्होंने बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, मॉन्टेक्स चम्सफोर्ड सुधार हो गया, और भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन प्लान, फिर जो भारत की अंतरिम सरकार हो गई, फिर भारत का जो स्वतंत्र मंडल बन गया, यानी भारत आज़ाद होता है, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता मंत्रिमंडल बनता है, स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनता है। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और इसे क्यों लाया गया था,
और इसके लाने का उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ऐसा अधिनियम का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे संविधान के विकास में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या नियमित और नियंत्रित करने के लिए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में जो शासन कर रही थी उनको रेगुलेट करने के लिए, ये किनके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, लिखित रेगुलेट होने लगी थी कंपनी के लिए। तो जो पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल कार्य थी उनको मान्यता मिल गई थी। यानी धीरे धीरे अब क्या संविधान का विकास स्टार्ट हो गया था, एवं इसके द्वारा भारत में जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी नींव, यानी अब धीरे धीरे जो सेंट्रल पावर है, केंद्र की जो पावर है वो इंक्रीज होने लगी थी इस अधिनियम के बाद। और साथ ही इसको कब लाया गया था, 1773 में लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था, इससे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो जो कंपनी है उसको हाथ में जो रेवेन्यू की पावर, डिफेंस की पावर आ गई थी, तो अब उसको रेगुलेट भी किया जाने लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी होने लगी थी। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का अधिनियम लाया जाता है। ऐसा अधिनियम की अगर हम फीचर्स की बात करें, जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएँ क्या थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए क्या 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको उनकी इमेज दिख रही होगी। इन्हें क्या बनाया गया था, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा मद्रास और बंबई के जो गवर्नर किसके अधीन हो गए थे, बंगाल के, यानी जो सेंट्रल पावर किसके हाथ में आ गई थी, अब ज़्यादा बंगाल के हाथ में आ गई थी, बंगाल के हाथ में। और इसके अधीन कौन कौन आ गए थे, मद्रास, बॉम्बे और कौन आ गया था, इसके अधीन आ गए थे, किसके अधीन, बंगाल के अधीन आ गए थे। यानी पावर किसके हाथ में चली गई थी, बंगाल के गवर्नर के हाथ में ज़्यादा, जबकि पहले जो प्रेसिडेंसी थी एक दूसरे से क्या थी, अलग थी, यानी सेपरेट थी, पहले सेपरेट थी, लेकिन इस अधिनियम ने क्या किया, बंगाल के अधीन कर दिया मद्रास और बॉम्बे की रियासतों, प्रांतों को। और इसके अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत और क्या प्रावधान किए गए थे, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1774 में की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश था, एक था क्या चीफ जस्टिस, और कितने थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन अभी वर्तमान में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने चीफ जस्टिस हैं अभी वर्तमान में, चीफ जस्टिस तो एक ही है और बाकी के कितने जज हैं अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को कितने क्या निजी व्यापार, प्राइवेट जो ट्रेड है उसको रोक लगा दी थी। और भारतीय लोगों से क्या करते थे, ये उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, इसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी रिश्वत नहीं ले सकते थे और साथ ही जो निजी व्यापार है, प्राइवेट ट्रेड है, वो भी नहीं कर सकते थे, रेगुलेट किया जा रहा था ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके लिए। और इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी होती है, ये आपको जो दिख रही कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, के माध्यम से क्या किया जाता था, नियंत्रण सशक्त हो गया। और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की अब जानकारी देना अनिवार्य कर दिया, किसे, ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया इस अधिनियम ने। अब आइए यूपीएससी ने, यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपकी भावनाओं को खेलते हुए रेगुलेटिंग एक्ट से ये प्रश्न आया है। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और कब की गई थी, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्या, एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें, तो ये इसका सही आंसर हुआ। दूसरा और आपके भावनाओं को खेलते हुए, UPRO का जो एग्जाम था फ्री 2016 में हुआ, उसमें फिर से एक और रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, कौन सा कथन सही है,
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। तो ये इसका राइट आंसर है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया। और दूसरा कथन है, लैमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए कोट से उस उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है केवल ए, इसका जो बाकी का ये वाला जो कथन है ये गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लैमिस्टर की जगह कौन था, प्रथम न्यायालय का जो चीफ जस्टिस था वो कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब आइए हम जानते हैं और एक और महत्वपूर्ण एक्ट, इससे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा क्या किया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी जो 1773 में आया था, दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक और संशोधित अधिनियम का पारित किया था 1781 में पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और ये कब अस्तित्व में आया, 1784 में अस्तित्व में आया। और इसने और क्या कर दिया, आप इसने क्या किया, जो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल वर्क थे कंपनी की, क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। यानी जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वो अब अलग रहेंगे, और साथ ही जो कमर्शियल यानी ट्रेड से रिलेटेड मुद्दे रहेंगे वो अलग रहेंगे, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और इसने क्या किया, जो निदेशक मंडल को जो कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन कैसे, एक तो थी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कंपनी की क्या थी, गवर्निंग बॉडी, जिसे हम क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, ये क्या थी, गवर्निंग बॉडी थी। और एक और अब बना गई, प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया है, जिसे हम कहते हैं क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल मामले देखेगी। और वो जो एक और है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो कंपनी से रिलेटेड मामले देखेगी। तो इस प्रकार कितने, द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है, किस अधिनियम के द्वारा, 1784 के अधिनियम के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसने क्या कर दिया, जो नियंत्रण बोर्ड को क्या शक्ति दे दी कि वह ब्रिटिश नियंत्रक भारत में सभी नागरिक सैन्य प्रकार और राजस्व गतिविधियों का क्या अधीक्षण एवं क्या करे, नियंत्रण करे। तो ये अधिकार भी दे दिया नियंत्रण बोर्ड को। और क्या किया इसने, यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला क्या था, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। इस कथन को आप याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है और आपसे पूछ लेगा ये कथन में कि भारत में कंपनी के अधीन पहली बार किस अधिनियम के द्वारा भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो इस तरीके से इसमें से कथन बन सकता है, तो आप इनको या ध्यान से पढ़िए। और साथ ही ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया इसने, ब्रिटिश सरकार, किसे, ब्रिटिश सरकार को, इस अधिनियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब जो 1784 का अधिनियम था, इससे पहले एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया गया था इसी के उद्देश्य से, उसकी कमियों को दूर करने के लिए। इसके तहत क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को यानी बंगाल की जो सरकार है, बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या, विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई इस अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना, इसका महत्व। और क्या किया है इस अधिनियम द्वारा, क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। अब क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कंपनी के जो कर्मचारी है, उन पर अगर कोई मुकदमा दायर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या, उनके मुकदमे को नहीं देख सकता। जो उन्हें एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, यानी जो अगर उन्होंने कोई ऐसा मामला है, जो सरकारी अधिकारी थे कोई भी व्यक्ति, तब अगर वो ऐसा करता है तो कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो लड़ने उन मामलों को देख नहीं पाएगा जब तक कि वो अधिकारी सरकारी अधिकारी है। तो ये कम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो गया। और न्यायालय की अपनी जो आज्ञाएं
आदेश कानून हो गया, ये लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज, यानी जो मुस्लिम हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, उनके रीति रिवाज को क्या सम्मान करने का क्या निर्देश भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1781 का आया था जो, और एक और जो अधिनियम आया था कब 1786 में, ये कब आया था 1786 में, कब लॉर्ड कार्निवालिस को बंगाल का क्या गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है उसने, मतलब किसने, लॉर्ड कार्निवालिस ने पद स्वीकार करने से पहले दो शर्तें रखी थी कि मैं तभी इस पद को अब स्वीकार करूंगा तब मेरी ये शर्तें मानी जाएंगी। कौन कौन सी शर्तें रखी थी उन्होंने, उससे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने या ना मानने का अधिकार हो। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जनरल हैं, गवर्नर जनरल है, उनके पावर इंक्रीज होने लगे हैं। अब क्या है, उन्हें वीटो पावर भी मिलने लगे, यानी जो लॉर्ड कार्निवालिस थे उन्होंने क्या मांगा, अल्टीमेटली वीटो पावर मांगना, वीटो पावर क्या है मांगा। और साथ ही उन्होंने क्या मांगा, उस सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, यानी सेना भी उसके हाथ में दी जाए और वीटो पावर भी उन्होंने मांगा साथ में। तो उपरोक्त शर्तों को क्या 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया और इन्हें ये अधिकार दे दिए गए। फिर धीरे धीरे जो ये जो शर्तें थी दोनों आगे भी कैरी आउट होती रही। अब आइए हम डिस्कस करते हैं 1793 का चार्टर कानून। इसने क्या किया, इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें लॉर्ड कार्निवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभार, यानी जो वीटो पावर दी गई थी, वीटो पावर को भविष्य के सभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर में भी आगे कैरी आउट होती रही, सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। और इसने क्या किया इस कानून ने, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के उपरोक्त अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की, और ज्यादा सेंट्रल पावर अब इंक्रीज होने लगी। इसने भारत का व्यापार जो ट्रेड था को एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया, यानी जो भारत पे अभी जो जितना भी ट्रेड हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, उसमें ब्रिटेन का चंक मेजर था, तो वो भी अगले 20 साल के लिए और कैरी आउट कर दिया गया। इसने और क्या किया, जो कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के पद में होने वाली अनिवार्यता समाप्त कर दी, यानी जो कमांडर इन चीफ है गवर्नर जनरल के काउंसिल सदस्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कमांडर इन चीफ के क्या हो सदस्य, किसके सदस्य, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अब इसने व्यवस्था दी कि क्या जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जो प्रशासनिक कार्यों को देखती है, जो पॉलिटिकल कार्यों को देखती है, तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। अब देखो धीरे धीरे सैलरी कहाँ इंडिया से ही दी जाने लगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो चार्टर एक्ट आए हैं 1793 का, हमने डिस्कस किया चार्टर एक्ट कब कब आए, 1793, 1813, 1833 और 1853, टोटल कितने चार्टर एक्ट आए, चार चार्टर एक्ट आए। और इस एक्ट के बाद से अब सरकार जो है पावर है जो क्राउन के हाथों में चली जाएगी, रानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाएगी, जो सिपाही विद्रोह हो गया 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, पूरी पावर जो है प्रशासन से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके हाथ में चली जाती है। तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसने क्या किया, इसने क्या, इस कानून ने क्या किया, भारत में जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को तो समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने क्या चाय के व्यापार पर क्या किया, जो चीन के साथ होता था उसमें कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा। और इसने क्या किया, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। अब धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो किन के अधीन किया जाने लगा, ब्रिटेन के राजा के अधीन। इस कानून ने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी, यानी जो ईसाई मिशनरी हैं अब वो इंडिया में आ सकते हैं। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच
पश्चिमी शिक्षा प्रसार व्यवस्था की क्या की प्रसार प्रचार के लिए व्यवस्था भी इस अधिनियम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस कानून के द्वारा पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रसार की व्यवस्था दी गई थी। तो आप स्टेटमेंट जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को क्या किया, व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया, कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं आईएएस प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जो 1813 का चार्टर एक्ट है उस पर आया है क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से आपसे खिलवाड़ कर सकता है और आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसने भारत जो चार्टर एक्ट है 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा, ये स्टेटमेंट सही है, यानी पहला स्टेटमेंट है ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये भी सही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो और राजा के हाथ जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अधीन क्या है, जो भारत का क्षेत्र है उसको कहा जाने लगा, और जो भारत का राजस्व है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो अभी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ये नहीं आया था, तो इसका जो सही आंसर है। लेकिन जो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसके, कहाँ से उसकी सैलरी दी जाने लगी थी, इंडिया के रेवेन्यू से ही उनकी सैलरी दी जाने लगी थी। तो इसका अगर हम तीसरा क्वेश्चन छोड़ दें, तीसरा कथन छोड़ दें, तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की, यानी जो सेंट्रल पावर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, इस दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार अब अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और प्रथम गवर्नर कौन थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और इस अधिनियम के द्वारा वक्त किए गए, इसने मद्रास बंबई के गवर्नर को विधायी के संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया, यानी लेजिस्लेटिव पावर भी खींच ली गई इनसे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी का और असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत क्या किया गया, और पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा जाने लगा। अब क्या कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाने लगा। पहले क्या नियंत्रित करने के लिए आते थे, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते, रेगुलेट करने के लिए जो आए थे उन्हें क्या कहते थे, नियामक कानून कहते थे। लेकिन अब जो बन के आने लगे, यानी अब एक्ट, अब क्या अधिनियम आने लगे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को अब समाप्त कर दिया गया। अब वह क्या हो गई, विशिष्ट रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र अब क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश राजशाही, और उसके उत्तराधिकार के विश्वास के तहत ही कार्य किए जाने लगे। और साथ ही जो चार्टर एक्ट 1833 का, इसने और क्या किया, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, कंपनी में जो भारतीय हैं किसी भी पद पर कार्यालय रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं रहेंगे, तो ये प्रावधान तो किए गए। लेकिन जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने कड़ा विरोध किया इसके प्रावधान का, तो ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया, लागू नहीं हो पाया 1833 के चार्टर एक्ट में। ये प्रयास किए गए लेकिन ये लागू नहीं हो पाए। अब आगे क्या हुआ, जो 1853 का, फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता है 1853 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया, 1793 से लेकर 1853 के दौरान, यानी कितने, चार चार्टर एक्ट, कितने ईयर के बाद, 20 साल, हर 20 साल में ये आते थे। तो 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह कौन सा अंतिम था। संवैधानिक दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें
इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस अधिनियम ने क्या किया, पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद है के लिए क्या कर दिया, विधायी और प्रशासनिक कार्य यानी जो लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं उनको भी अब क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया गया। इसके तहत और क्या किया गया, जो परिषद है काउंसिल है उसमें 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इसने क्या किया विधान, इसे क्या कहा गया विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे हम क्या कहते हैं भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस परिषद की और अन्य शाखा थी ने क्या छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो क्या ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को क्या कहा गया, पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया जिसके लिए एक विशेष मशीनरी की जरूरत थी। इसने और इस अधिनियम ने क्या किया, सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया जो 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं हो पाया था, लेकिन जो 1853 का आता है चार्टर एक्ट इसमें ये कार्य हो जाता है यानी जो सिविल सर्विस है उनकी भर्ती के लिए जो प्रतियोगिता है उसका प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए कब 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति, मैकाले समिति। इस समिति को आपको याद रखना है क्योंकि कई बार जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो ये भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। इसने क्या किया और कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को अब क्या कहा जाने लगा, इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत रखा जाने लगा, लेकिन पूर्व अधिकारों के विपरीत इसमें कुछ निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। यानी अभी तक क्या होता था, हर 20 साल में क्या आते थे, चार्टर एक्ट आते थे, लेकिन अब क्या हो जन किया होने लगा कि अब कोई टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया कि कब तक आखिर जो कंपनी है उसको रेगुलेट उसको अधिनियमित करने के लिए अधिनियम लाए जाएंगे। अब क्या कर दिया, संसद से ये इंडिकेशन मिलने लगा कि अब जो कंपनी का शासन है ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, अब सीधे जो पावर्स हैं किसके, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर और रानी विक्टोरिया के पास जाने वाली है। तो ये इंडिकेशन हमें जो 1853 का चार्टर एक्ट है इसमें मिलने लगे थे। और इसने क्या किया, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया यानी जो लोकल लोकल प्रतिनिधि थे उनको भी अब क्या इसमें प्रारंभ किया गया, इस विधान परिषद में लिया जाने लगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से होता था, बंगाल मद्रास बंबई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतों की सरकार से किया जाना था। अब जो 1857 का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तब अब जो पावर्स हैं किसके हाथ में चली जाती हैं, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर चली जाती हैं। इस जो 1857 की विद्रोह के बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्या हम सिपाही विद्रोह कहते हैं, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध यानी जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है इसे क्या कहा जाने लगा कि भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है यह, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी सारी शक्तियां किसके हाथ में, ब्रिटिश राजशाही यानी ताज के हाथ में चली जाती हैं। और इस अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण फीचर्स हैं 1858 के इस अधिनियम की। इसके तहत क्या हुआ, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर अब क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, भारत ब्रिटिश ताज का क्या डायरेक्ट प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। आपको बताना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये तीनों के नाम आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में
शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था और जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारत प्रशासन का क्या संपूर्ण नियंत्रण की क्या शक्ति निहित थी, और यह सचिव क्या था, कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था, और ये कहाँ, इंग्लैंड में रहता था। भारत सचिव की सहायता के लिए क्या 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया जाता था, यानी एक होता था अध्यक्ष और इसके अंदर होते थे कितने 15 इसके सदस्य होते थे इस परिषद की, पूरे काउंसिल की। ऐसे कानून के तहत भारतीय सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक क्या थी, निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो कानून लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता है था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली को क्या, विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता है इसमें। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है, यानी अब कानून जो बनते थे उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। इस प्रकार वायसराय और कुछ भारतीयों को विस्तारक परिषद और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में क्या, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, भारत बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को क्या, विधायी शक्तियां फिर से वापस दे दी गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रारंभ हुई थी। और 1833 का चार्टर अधिनियम है, यहाँ तक आते ये अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी। और फिर जो 1937 तक फिर से जो पावर्स हैं वो प्रांतों को आंतरिक रूप से क्या, स्वायत्तता हासिल हो जाती है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और साथ ही जो बंगाल हो गया और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, 1867 में विधान परिषद का क्या गठन किया जाता है। इसमें वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश, यानी ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस अभी भी राज्यपाल जारी कर सकता है और राष्ट्रपति जारी कर सकता है। तो ये जो अधिकृत जारी करने की जो शक्ति है, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने तक होती है। अगर इसको आगे भी पारित चलाना है तो उसे फिर संसद से क्या पारित कराना होता है, एक्ट बनाना होता है, अधिनियम बनाना होता है, तब आगे चलती है, वरना 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस अभी भी चलता है। और जो 1892 के अधिनियम है, इसमें क्या किया गया है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और बहुमत अभी भी क्या था, सरकारी सदस्यों को ही रहता था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। धीरे धीरे अब क्या, अब बोलने के अधिकार मिलने लगे। इसमें और क्या किया, जो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय अगर परिषदों में बात करें तो गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की ये भी पावर्स दे दी गई। और क्या किया गया, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से क्या, चुनाव का प्रावधान किया गया। चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं इसने और क्या किया, निश्चित निकाय को क्या, सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब आते हैं हम 1909 का महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ऐसा अधिनियम को क्या हम कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो मॉर्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, ये हो गए मॉर्ले। और साथ ही जो लॉर्ड मिंटो है ये क्या थे, भारत में क्या थे, ये वायसराय थे।
इसने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में जहां पहले संख्या 16 थी तो अब 60 हो गई, और प्रांतीय परिषदों में भी संख्या एक समान नहीं थी, अलग अलग थी, मतलब कहीं ज्यादा थी कहीं कम थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय परिषद में है उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी। इसने दोनों स्तरों पर क्या विधान परिषदों के चर्चा कार्यों को दायरा को बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अनुपूरक प्रश्न पर पूछना और बजट पर जो संकल्प होता था रखना आदि, ये अधिकार अब दिए जाने लगे। इस अधिनियम के अंतर्गत और क्या किया गया, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय, गवर्नर की कार्य परिषद के शासन साथ क्या एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और पहले जो वायसराय थे, जो कार्यकाल पालिका थी जिसमें परिषद में पहले भारतीय थे, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इन्हें क्या विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत और क्या किया गया, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया। अब धीरे धीरे जो सांप्रदायिकता है वो उसके प्रतिनिधित्व के लिए इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इस अधिनियम के बाद से। और साथ ही इससे पहले हमें बंगाल विभाजन भी देखने को मिलता है, तो वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती हैं। मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इस अधिनियम ने ये प्रावधान किए। और इस प्रकार क्या किया, अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और जो लॉर्ड मिंटो हैं को क्या हम कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन की जनक कहा जाता है। और इसने क्या किया, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए एक अलग से फिर से क्या कर दिया, प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया। और अब आते हैं हम जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होती है उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसमें क्या होता है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्या है, क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से क्या, 1917 में भारत शासन अधिनियम आता है, इसमें क्या होता है, जो 1921 से लागू हो जाता है, इस कानून को हम क्या कहते हैं, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टैग क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एक कर उन्हें क्या कर दिया, अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। और केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषद हैं अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का उन्हें अधिकार दे दिया गया, लेकिन जो सरकार का ढांचा है केंद्रीय और एकात्मक ही अभी तक बना रहा। और इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें दो भागों में जो विषय है उनको बांट दिए गए, एक तो हस्तांतरित हो गया और एक आरक्षित हो गया। हस्तांतरित जो विषय थे उन पे क्या, गवर्नर को आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करना होता था। जैसे हस्तांतरित विषय क्या हो गए, जैसे एजुकेशन हो गया, ये सारी जो फैसिलिटीज हो गई वो हस्तांतरित में, और आरक्षित में कौन कौन से आते थे, जैसे सेना हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे आरक्षित विषय थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यानी जो आरक्षित अगर विषय हैं उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन करते थे वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं होते थे। शासन की इस द्वैरी व्यवस्था को क्या कहते थे, द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने और क्या किया, पहली बार देश में द्विशदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार क्या हुआ, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर क्या कहा होने लगा, द्विशदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदन के सब बहुसंख्यक सदस्यों को क्या प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से क्या किया गया, निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार और क्या किया, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उनमें क्या 6 सदस्यों में से कमांडर अगर अपनी चीफ को छोड़ दें तो 3 सदस्य क्या होने चाहिए, भारतीय होना आवश्यक था। और इसने और क्या किया, सांप्रदायिकता का जो आधार था अभी सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, अब इसने और क्या कर दिया, मुस्लिमों के लिए कब 1909 का जो अधिनियम था इसमें किया गया था, लेकिन अब जो 1919 का जो मॉन्टैग चेम्सफोर्ड सुधार आता है इसमें और आधार सांप्रदायिकता का बढ़ जाता है। इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, आंग्ल भारतीय क्या होती थी,
जैसे मान के चलिए कोई ब्रिटेन का कोई पुरुष है, ब्रिटेन का कोई मेल है, इंडियन कोई फीमेल है, ये दोनों शादी करती हैं, फिर इनसे जो बच्चा होता है तो वो क्या होगा, वो ब्रिटिश और इंडिया का प्रोडक्ट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंगल भारतीय कहते हैं, इस तरीके की जो पॉपुलेशन होती है उन्हें। और जो यूरोप के लिए भी क्या कर दिया गया, यूरोप में के लिए एक अलग निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे और इसका सांप्रदायिकता का आधार बढ़ता जा रहा है। इस कानून ने क्या किया, संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून ने और क्या किया, लंदन में भारत के उच्चायुक्त को यानी जो हाई कमीशन है के कार्यालय का क्या किया, सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों को उच्चायुक्त को भी क्या कर दिया, स्थानांतरित किया गया। और इस अधिनियम ने क्या किया, लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब 1926 में सिविल लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। और इसने क्या किया, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य कितना होता था, 10 वर्ष होता था और अपनी रिपोर्ट फिर प्रस्तुत करने को कहा जाता था। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण अधिनियम। इस अधिनियम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस अधिनियम का जो हमारा संविधान है उसमें मेजर चंक आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारा पार्ट हमारे संविधान में इस अधिनियम से एज इट इज लिया गया है। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आइए हम जानते हैं इस अधिनियम में। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। हम इन सबको आगे डिस्कस करते हैं। अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। और इस अधिनियम में क्या किया, केंद्र और राज्यों के बीच की बीच क्या 3 सूचियां बनाई गई। हमारे जो संविधान का शेड्यूल 7 है, अनुसूची कितनी 7 है, उसमें हमारी 3 सूची हमें देखने को मिलती है, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो संघ सूची है उसमें हमें 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची की में कितने 36 विषय थे। इन आधार पर क्या किया गया था, शक्तियों का बंटवारा किया गया था और अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में थी, वायसराय के हाथ में थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई क्योंकि देशी रियासतों ने क्या किया, इनको मानने से इनकार कर दिया था। और इस अधिनियम ने क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रांतीय जो स्वायत्तता है उसको अब प्रसव क्या प्रारंभ कर दिया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर क्या फ्रीडम स्वतंत्र स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार, 3 अलग क्षेत्रों में क्या शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने क्या किया, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की क्या सलाह पर काम करना आवश्यक था। इस अधिनियम में व्यवस्था की कि 1939 में ये अधिनियम क्या थी, जो व्यवस्था थी शुरू हुई थी लेकिन 1939 में ये व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसने और क्या किया, जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली के जो आरंभ किया गया था इसमें क्या था, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो पाया। और इस अधिनियम ने क्या किया, इसने 11 राज्यों में से 6 में क्या किया, द्विशासनी व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार कौन कौन से थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में क्या हुआ, द्विशासनी विधान परिषद और विधानसभा क्या हो गई, बन गई। हालांकि इन पर भी कई प्रकार के अभी भी रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिली। और इसने और क्या किया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उस व्यवस्था को और प्रसार किया। दलितों के लिए दलित वोट चुनेंगे, महिला मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था को और ज़्यादा इसने दूरियां बांटी, व्यवस्था को और आगे फैलाया, प्रतिनिधि सांप्रदायिक व्यवस्था को। और इसने क्या किया, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर अब क्या इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की एक क्या मिल गई, टीम मिल गई, भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई।
और इस अधिनियम ने और कौन कौन से प्रावधान दिए? इसने जो मताधिकार का है विस्तार किया, लगभग कितने 10% जनसंख्या को क्या मताधिकार मिल गया इस अधिनियम के द्वारा। इसके अंतर्गत जो देश की मुद्रा हो गई, शाख हो गई, क्रेडिट हो गई, नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की, और इसके तहत जो क्या किया गया 1937 में क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो यूपीपीसीएस प्री में आए हुए हैं। जो केंद्र में जो द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी, तो हमने अभी पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को क्या स्थापित किया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये हुए कुछ क्वेश्चन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं आज़ादी का अधिनियम, यानी 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून को क्या होगा, भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत से विभाजन की बात कही। तब क्या होता है 3 जून को, जैसे हम 3 जून की योजना कहते हैं, 3 जून को हम क्या कहते हैं 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा संविधान। और उसने क्या किया, संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। उसी दिन क्या हुआ 3 जून को क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और फिर क्या हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश नियंत्रण जो क्षेत्र है उसमें से दो देश निकलते हैं, एक निकलता है का पाकिस्तान और एक निकलता है कौन, भारत। तो ये दो देश हैं अलग हो जाते हैं इस अधिनियम के। और फीचर्स क्या थे, 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र संप्रभु सॉवरेन राष्ट्र बन जाता है। इसने भारत का विभाजन कर कौन दो डोमिनियंस संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें हम क्या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। लेकिन भारत क्या है, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन है उनसे अलग नहीं हुआ था बल्कि भारत का कॉमनवेल्थ का पार्ट बना रहा। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों और गवर्नर जनरल पद का क्या सृजन किया, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करने की, इन पर क्या ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो ये अधिनियम था, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फीचर्स थे। और इसने क्या किया, दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने, सभाओं को यह शक्ति दी कि वो ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती थी, बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को निरस्त करने का भी शक्तियाँ दी गई थी। और क्या दिया गया था, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की जो संविधान सभाएं हैं उनको ये शक्ति भी दी थी कि वे नए संविधान का निर्माण कर सकती हैं, कार्यान्वयन होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों को क्या विधानसभा बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुई कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। और इस अधिनियम ने क्या कहा, ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था उसे समाप्त कर दिया और इसकी जो सभी शक्तियाँ थी राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो जाती है और इंडिया आज़ाद हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आज़ाद हो चुके हैं। अब आते हैं हम, इससे कुछ क्वेश्चन आए हैं जो यूपीपीसीएस प्री 1990 में आया हुआ क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब कुछ जो अंतरिम सरकार थी, जो संविधान सभा थी उसमें जो अध्यक्ष थे वायसराय बोवेल को बनाया गया अध्यक्ष,
जवाहरलाल नेहरू को, राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। वल्लभ भाई पटेल को क्या, गृह सूचना एवं प्रसारण, जॉन मथाई को उद्योग नागरिक आपूर्ति, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, सी राजगोपालाचारी शिक्षा कला, सी एच भाभा कार्य खनन एवं ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम को श्रम, लियाकत अली खान को वित्त, आई आई चुंदरीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार को संचार, जोगिंदर नाथ मंडल विधि, गजनफार अली खान को स्वास्थ्य। फिर जो हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है, इसमें जो मामले हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्हें कौन कौन से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, राष्ट्रमंडल मामले, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मामले में दिए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया जाता है, सूचना प्रसारण मंत्री, और राज्यों को जो विलय संबंधी मामले थे इन्हें ही दिए जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा, जॉन मथाई को रेलवे परिवहन, और आर के षणमुखम शेट्टी वित्त, बी आर अम्बेडकर को विधि, जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को फिर से रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर ये महिला थी, याद रखना है आपको, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, सी एच बाबा वाणिज्य, रफी अहमद के भाई संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, वी एन गडगिल को बनाया जाता है कार्य खान और ऊर्जा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, आई होप आपने एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे, और साथ ही यूपीएससी के क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये है यूपीएस सरल भारत एजुकेशन का यूपीएससी का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसको आपको लेक्चर की क्या जो पीडीएफ है, यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही इसको बेनिफिट क्या होगा हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको बेनिफिट्स होगा, आपको जो सरल भारत की मंथली मैगजीन आती है उसका फ्री आपको पीडीएफ यहाँ से डिजिटल वर्जन मिल जाएगा, और साथ ही द हिंदू की लेक्चर सीरीज में द हिंदू रोज में पढ़ाता हूँ, तो आपको द हिंदू की पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगी, और साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सरल भारत एजुकेशन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए लेक्चर में। अभी मैं लेक्चर कोई लेंथ है, टाइम है, धीरे धीरे इनको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ये लेक्चर आई होप बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन आगे के लेक्चर में कोशिश करूंगा 25 से 30 मिनट के आसपास हों, तो मैं इस लिमिट में इन सभी लेक्चर को करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।